Hello, I'm Ayushi Yadav. I'm doing MSc in Horticulture in Rama University under the guidance of Dr. K.K. Mishra and Dr. Aneeta Yadav. यहाँ पे मैं अपना रिसर्च ओकरा पे लाइन इनटू टेस्टर पे कर रही हूँ, जिसमें 16 लाइंस एज अ फीमेल एंड 3 टेस्टर एज अ मेल यूज हो रहे हैं एंड टोटल मेरा 48 कॉम्बिनेशंस मुझे लास्ट में मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैं लाइन इनटू टेस्टर के लिए क्यों कर रही हूँ। लाइन इनटू टेस्टर का यूज मैं बेस्ट पेरेंट्स कॉम्बिनेशन को जानने के लिए और उसका आगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना क्रॉस प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें एक फ्रेश बर्ड लेनी है जो हमारे इमेस्कुलेशन के लिए फ़ायदेमंद रहे। इमेस्कुलेशन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें कैसे क्या करना है। इमेस्कुलेशन में हमें रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, हमें मेल पार्ट को रिमूव करना होता है। और इसमें हमें सबसे पहले इमेस्कुलेशन में हमें पेटल्स को हटाना है। हमारे स्टिग्मा को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इमेस्कुलेशन करते टाइम हमारा सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का 8 से 10:30 के बीच में। जैसा कि अब इसमें देखिए पॉलिन्स हैं। हमें इमेस्कुलेशन करते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें एक भी पॉलिन ग्रेन कुछ भी ना बचे। हम इमेस्कुलेशन करते क्यों हैं? इमेस्कुलेशन करने का हमें ये रीज़न होता है ताकि हम इसमें से मेल पार्ट को रिमूव कर सकें एंड वांटेड टेस्टर में से टेस्टर टेस्ट कर सकें। अभी देखो हमारा स्टिग्मा एकदम सेफ है और इसमें एकदम सब साफ हो चुका है। इसमें एक भी मेल पार्ट नहीं है। अब हम इसमें लाइन से एज अ हम लाइन से पॉलन से इसमें पॉलिनेशन करवाएंगे। पॉलिनेशन खाते थे हमें इसे हम बर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस पूरी ख़त्म होने में 17 से 18 घंटे लगते हैं। अब इसे हम बटर पेपर से पैक कर देंगे ताकि इसे बाहर से दूसरा और कोई पॉलिन ना आ सके और हम जिस पॉलिन से पॉलिनेशन कराते हैं वो वही हो पाए उसी से। पॉलिनेशन करते टाइम सबसे बेस्ट टाइम हम मॉर्निंग का होता है। इसमें हम 8:30 से 10:30 AM तक हम इसे करा सकते हैं।